कोडबर हैंड चिलर मशीन है, ये 16 इंच का साइज है लाइनिंग इम्प्रेशन में। ये कैसे काम करता है और ये कैसे इसकी सीलिंग का इम्प्रेशन आता है वो सारी चीज मैं आपको बताने और दिखाने वाला हूँ। इसमें हमारे पास में आपको 12 इंच का साइज मिल जाएगा, 8 इंच का साइज मिल जाएगा और मैक्सिमम 16 इंच का ही साइज आता है कोडबर के अंदर। और अगर इसमें इम्प्रेशन की बात करें, आप इसमें डोडोड इम्प्रेशन में भी ले सकते हैं और लाइनिंग इम्प्रेशन में भी आप इसमें ले सकते हैं। इसमें दो इम्प्रेशन में काम करती है ये मशीन, आप इसमें लाइनिंग में और डोडोड इम्प्रेशन में ले सकते हैं। तो 16 इंच का साइज है लाइनिंग इम्प्रेशन में, इसका सीलिंग का इम्प्रेशन लाइनिंग में आएगा। तो ये 5 मिनट लेती है पूरी गर्म होने में। इसका थर्मोस्टेट होता है, यहाँ पे जाकर आपको टेम्परेचर सेट करना पड़ता है पाउच की माइक्रोन के हिसाब से, जितना माइक्रोन का पाउच है उसके हिसाब से आपको टेम्परेचर सेट करना है। उसके बाद ये होता है इसका सीलिंग टाइम, कितनी देर आपको मशीन को प्रेस करके रखना है, ये इसका इंस्टॉलेशन होता है। और 5 मिनट आपको टेम्परेचर सेट करने के बाद 5 मिनट आपको वेट करना है। वेट करने के बाद पूरी हीटिंग आ जाती है, उसके बाद आप कंटिन्यू काम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने 5 मिनट से ज्यादा मतलब इसको हो गई है, इसका टेम्परेचर सेट करने के बाद अब मैं इसमें काम कर सकता हूँ। तो आपको पाउच लेना है और कुछ भी डाल देना है पाउच के अंदर, जो भी आपको पैक करना होगा। तो मेरे पास में चिप्स का रैपर है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें हल्के पाउच नहीं चलते, जो ट्रांसपेरेंट पाउच आते हैं प्योर एलडी प्योर पीपी वो पाउच नहीं चलते हैं, वो जला देगी पाउच में। काफी ठीक ठाक माइक्रोन का पाउच चलता है इसमें, जैसे आपके डिटर्जेंट के पाउच हो गए, चिप्स के पाउच हो गए, यानी कि मोटा पाउच ही चलेगा इसमें, हल्का पाउच कोई नहीं चलेगा इसमें। मैं आपको सीलिंग चेक करा देता हूँ, सीलिंग कंप्रेशन कैसे आता है। तो ये पाउच है, आपको पाउच लेना, लगा के मशीन को प्रेस कर देना है। ये लाइनिंग में इम्प्रेशन आ चुका है, 10 mm पूरा लाइनिंग में इम्प्रेशन। पाउच पड़ जाएगा पर सीलिंग अपनी जगह से नहीं हटेगी बिल्कुल भी। मैं आपको दोबारा से भी सीलिंग चेक करा देता हूँ, काट के दोबारा से काट लेना। खाली पाउच है मेरे पास में। अब जैसे इसमें टेम्परेचर काफी ठीक ठाक टेम्परेचर हो रहा है, तो मैं इसका टेम्परेचर कम कर दूंगा थोड़ा सा इसमें। तो मैंने अब ये 70 में कर लिया, उसके बाद आपकी मशीन की सीलिंग इम्प्रेशन रह जाएगा इसमें। ये देखो लाइनिंग में इम्प्रेशन आ चुका है दोनों साइड से। तो पाउच पड़ जाएगा पर सीलिंग अपनी जगह से नहीं हटेगी। ये हमारे पास में रेडी टू स्टॉक होती है, कभी भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, कभी भी मंगा सकते हैं। आप कोरियर से ट्रांसपोर्ट से जिससे आप चाहें मंगा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी हमारे पास में नहीं होती है। ये चीज मैं आपको बार बार बताता हूँ, यूट्यूब पे भी मैंने आपको कई बार बताया इस फिल्म में कि हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते हैं। आप हमसे या तो कैश में आके लेके जा सकते हैं, खुद से आके लेके जा सकते हैं, या ट्रांसपोर्ट से मंगा सकते हैं, या बाय कोरियर आप मंगा सकते हैं। मशीन रेडी टू स्टॉक मिलेगी हमारे पास में वाली मशीन आप।